चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात संभल की करेंगे। जिले में कोल्ड स्टोर हादसे के बाद जिला प्रशासन अब जिले भर के सभी कोल्ड स्टोर में सुरक्षा मानकों की जांच कराएगा। तो वहीं कोल्ड स्टोर हादसे में मृतक परिजनों को अब 5 लाख की धनराशि मिलेगी। सरकार ने 2 लाख से बढ़ाकर अब मुआवजा राशि को 5 लाख कर दिया है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत आपको बता दें कि धनराशि को बढ़ाया गया है। पुलिस ने फरार चल रहे कोल्ड स्टोर के मालिकों की गिरफ्तारी कर ली है। डीएम और इसी के साथ ही एसपी ने संयुक्त पीसी कर पूरे मामले की भी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 16 मार्च को चंदौसी कोतवाली इलाके के इस्लाम नगर रोड स्थित एआर कोल्ड स्टोर का चैम्बर टूटने से उसमें 24 मजदूर दब गए थे। घटना के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, तो वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू करने पहुंची थी। कमिश्नर मुरादाबाद और इसी के साथ ही डीआईजी मुरादाबाद ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर डेरा डाल दिया था। अब इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को बचाव कार्य के तत्काल निर्देश भी उस वक्त दिए थे। 30 घंटे तक ये रेस्क्यू चला था, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 10 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कमिश्नर को जिला उद्यान अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीएम मनीष बंसल और इसी के साथ ही एसपी चक्रेश मिश्रा ने चंदौसी के तहसील सभागार में कोल्ड स्टोर मामले में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीएम ने बताया कि कोल्ड स्टोर हादसे में मृतकों के परिजनों को आर्थिक मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। सीएम योगी ने पहले 2 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बढ़ी हुई धनराशि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से मिलेगी। तो वहीं डीएम ने यह भी बताया कि हादसे की वजह को तलाशा जा रहा है। इसके लिए एक मजिस्ट्रियल जांच कमेटी बनाई गई है, जो पूरे मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसमें जो लेबर एक्ट है या अन्य भी जो संबंधित एक्ट है उसके अंतर्गत जितने भी इस पूरी घटना में जो पल्लेदार हैं, क्योंकि वो सब श्रमिक थे, उनको एक सहायता धनराशि दी जाती है। ये सहायता धनराशि जो भवन स्वामी होता है उसी के द्वारा दे होती है। तो जो भी इसमें सहायता धनराशि बैठेगी उसकी कैलकुलेशन जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कर ली गई है और वो जो है इन्हीं भवन स्वामियों के माध्यम से उसको उसका भुगतान किया जाएगा। और अगर किसी कारणवश समय से भुगतान नहीं होता है तो उसकी रिकवरी भी हम लोग करवाएंगे। और अगर पूरे जनपद में कोई भी अगर ऐसा कोल्ड स्टोरेज पाया जाता है जिसमें या कोई भी ऐसी बिल्डिंग पाई जाती है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और वहां पर कोई ऐसा मानक पूरा नहीं हो रहा है जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ऐसी भविष्य में ना हो, हम लोग अभी से इसमें पूरी एक टीम गठित कर दी गई है, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहां पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो गांव के लोग और जो परिजन थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनको समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। उसके पश्चात रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। पहले कोशिश की गई कि जो लोग जीवित हैं उनको निकालने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की गई। इसमें मृतक की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर थाना चंदौसी में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर धारा 304 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई और 2 नेम्ड अभियुक्त जो इस जो कोल्ड स्टोरेज था इसके मालिक थे और संचालक थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम रोहित अग्रवाल व अंकुर अग्रवाल हैं।